मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल टॉक विद सुनील। जब हम अपना घर बनाते हैं तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए पीवीसी पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे पाइप के बारे में बताऊंगा जो शायद ही आपने कहीं देखा होगा। इस पाइप को इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे आप इस पाइप को इस्तेमाल करके अपने पैसे को बचा सकते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दो तरीके के पीवीसी पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है घर बनाते समय। पहला जो पाइप होता है वो लिंटर पर डाला जाता है। आपका इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के अनुसार उसका लेआउट करता है। इस पाइप को मजबूती की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब इसके ऊपर कंक्रीट का मिक्सचर डाला जाता है तो उसके ऊपर लोड आता है। साथ ही साथ जब मिक्सचर डाला जाता है तो बहुत सारी लेबर उसके ऊपर आती जाती रहती है, तो यदि ये वीक होगा तो वहाँ से टूट जाएगा, और यदि ये टूट गया तो आपका पाइप जो है वेस्ट हो जाएगा। वहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो दूसरा पीवीसी पाइप होता है वो कमरों के अंदर लगाया जाता है। आपका इलेक्ट्रिशियन जो है वॉल्स के ऊपर लगाता है। इसमें मजबूती की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिशियन इसको वॉल्स के ऊपर लगाता है, और लगाने के बाद जब इसके बाद इसके ऊपर प्लास्टर हो जाता है तो उस पर कोई भी लोड नहीं आता है। इस वीडियो में मैं केवल उन पाइपों के बारे में बताऊंगा जो पाइप आपके लिंटर पर डाला जाता है। ये जो पाइप मैं आपको दिखाऊंगा ये मजबूत तो है ही, इस्तेमाल करने में भी आसान है और आपको पैसे की भी बचत होती है यदि आप इस पाइप को इस्तेमाल करते हैं। जो पुराने तरीके के पाइप आते हैं वो टुकड़ों में आते हैं। एक टुकड़े की जो लेंथ होती है वो लगभग 10 फीट का एक टुकड़ा होता है। यहाँ पर जो पाइप है वो बंडल में आता है, उसमें कोई टुकड़े नहीं होते हैं। वो लगभग 100 मीटर का पाइप होता है। यदि उसको ऐसे पॉइंट्स के बीच में पाइप का लेआउट करना है जो कि 10 फीट से ज़्यादा है, उसी तरीके के पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसको एक एक्स्ट्रा जॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो टुकड़ा आता है वो 10 फीट का ही आता है, तो ये काम उसके लिए बढ़ जाता है। दूसरा जो फ़ायदा है इस्तेमाल करने के लिहाज से वो ये है कि जब पॉइंट्स टू पॉइंट्स के बीच में मैक्सिमम जो लेआउट होता है पाइप्स का लिंटर पर वो स्ट्रेट होता है, उसमें आप कर्व नहीं ले सकते हैं। यदि आपने उसको मोड़ने की कोशिश की तो वो टूट जाएगा, उसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। यदि किसी तरीके की मोड़ देने की ज़रूरत पड़ती है पाइप में तो वहाँ से वो काट देता है और उसके ऊपर एक बेंड लगाता है मोड़ने के लिए, 90 डिग्री बेंड देने के लिए उसे एक मोड़ देना पड़ता है। ये जो पाइप मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। पाइप को आप हल्का सा कर्वेचर दे सकते हैं, हल्का सा मोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोड़ना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हल्का सा कर्व आप उसको दे सकते हैं। ये पाइप बिल्कुल भी नहीं टूटेगा आपका। दूसरा फ़ायदा इलेक्ट्रिशियन को ये होता है कि उसको मोड़ने में आसानी होती है, एकदम स्ट्रेट रखने की जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कर्व एरिया है वहाँ पर भी इस पाइप को इस्तेमाल कर सकता है। बचत कैसे होती है, जो पुराने जो पाइप्स हम इस्तेमाल करते हैं वो टुकड़ों में आते हैं और एक टुकड़े की जो लंबाई है वो लगभग 10 फीट होती है। जी इलेक्ट्रीशियन को 8 फीट का, 10 फीट के पाइप में से 8 फीट का पाइप काट लेगा और 2 फीट का जो पाइप होगा वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। ये जो बंडल है, क्योंकि इस बंडल की जो लंबाई है वो 100 मीटर है, तो यहाँ पर आपके पैसे की बचत होती है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रीशियन है जितनी उसको लेंथ चाहिए वो उतनी ही लेंथ को उसको काट लेता है और जहाँ पर उसको इस्तेमाल करना है वो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लेता है। मजबूती की बात है वो इतना ज़्यादा मजबूत है, टूटने जैसी समस्या तो आएगी ही नहीं। वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो में देखिएगा किस तरीके का पाइप है। Thank you.
हैं और दस दस पाइप और खरीदने थे। उठावा